हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सतीश आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मेरे छोटे भाई ने बताया था कि भैया फ़ोटो कॉपी करते करते ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। कस्टमर का जो डॉक्यूमेंट है वो काफ़ी क्लियर है, लेकिन जो बॉटम एरिया है वो काफ़ी लाइट आ रहा है। आप देख पा रहे हो, यहाँ कुछ पढ़ने में भी नहीं आ रहा है। बाकी ऊपर आप देख रहे होगे तो काफ़ी ठीक है, क्लियर है डॉक्यूमेंट, लेकिन यहाँ काफ़ी ज़्यादा लाइट है। तो वो बोल रहा था कि भैया इसको सही करो, कस्टमर काफ़ी डिसअपॉइंटेड होता है। तो ये मशीन में ये क्यों आती है ये नीचे की, और लाइट बाकी ऊपर क्यों डार्क है, तो इस बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और इसको सही कर भी करके भी बताऊंगा मैं आपको कि प्रॉब्लम क्यों आती है। जनरली ज़्यादातर मशीनों में ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है तो मॉइस्चर रहता है एनवायरमेंट में। बाकी बारिश में भी ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है, गर्मियों में ठीक ठाक ही चलती है मशीन, लेकिन ये प्रॉब्लम हर शॉप वाले को फेस करना ही पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे सही करें और ये बार बार क्यों आती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादातर ये फ्रेंड धूल धक्कड़ के चक्कर में ही आता है। ये प्रॉब्लम बेसिकली लेज़र यूनिट की ही होती है, मैं आपको बताऊंगा लेज़र यूनिट कहाँ होती है इस मशीन में, बाकी इसको साफ़ कैसे करें वो भी बताऊंगा। लेज़र यूनिट पे धूल वगैरह थोड़ी आ जाती है तो उस कारण में ये दिक्कत आएगी। कभी आपका नीचे अच्छा मैटर आएगा तो ऊपर लाइट हो जाएगा, ऊपर अच्छा आएगा तो नीचे लाइट हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आती है, इसको कैसे सॉल्व करें तो मैं आपको उस बारे में बताता हूँ। चलिए दोस्तों, ये है ये मशीन है हमारी, डॉक्यूमेंट ये था जो मैंने आपको दिखाया। ये मशीन है जेरोक्स की, कैनन की मशीन है, एडवांस है, 4245 मॉडल है इसका। तो इसकी लेज़र यूनिट मैं आपको साफ़ करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको इसके लेज़र यूनिट के पास ले चलता हूँ। दोस्तों, इसकी जो लेज़र यूनिट होती है बेसिकली यहाँ इसके नीचे लगी होती है, इसके नीचे होती है। ये साइड का जो ढक्कन है वो हमें इसको खोलना पड़ेगा, तब हम आपको बता पाएंगे और लेज़र कैसे साफ़ होता है बाहर निकाल के होगा तो वो हम आपको दिखाते हैं आगे वीडियो में। तो आप वीडियो को देखते रहिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको लेज़र यूनिट बाहर निकाल के दिखाता हूँ। ये इसके कुछ स्क्रू होते हैं जो हमें ओपन करना होते हैं, तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये पहला स्क्रू है, ये इसका सेकंड स्क्रू, हमें साइड का ये कवर खोलना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा बाहर खींचोगे ये ओपन हो जाएगा, इस कवर के ही निकलते आप इस साइड डोर भी देखोगे निकल आएगा। इसको हम यहाँ रख देते हैं। देखिए ये होती है हमारी लेज़र यूनिट। इसको खोलने के लिए हमें एक ये स्क्रू है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा पहले। तो हम इसको निकाल लेते हैं, जिसको खोल के ये लॉक होता है उसको निकाल के हम साइड में रख देते हैं। ये होती है हमारी लेज़र यूनिट। इसको हल्का सा लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो ये देखिए आ जाएगी। मैं आपको इसको निकाल के दिखाता हूँ। ये इसके कुछ लॉक होते हैं वो हमें निकालना पड़ते हैं। तो एक लॉक इसमें ये लगा हुआ है और एक लॉक इसमें अंदर लगा हुआ है। एक ये है, ये इसके कनेक्टर हैं और दो कनेक्टर इसमें यहाँ होते हैं। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। एक ये कनेक्टर है और एक ये कनेक्टर होता है। ये चार कनेक्टर निकालने के बाद आपकी लेज़र यूनिट सामने आ जाती है। तो लेज़र यूनिट को कैसे साफ करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। इसके जो ऊपर के आप फ्रंट पर दिख पा रहे हैं ये चार स्क्रू, ये हमको खोलना पड़ेंगे पहले। मैं आपको स्क्रू खोल के दिखाता हूँ कैसे लेज़र यूनिट को साफ करना है, बताता हूँ। ये हमारा पहला स्क्रू और ये है दूसरा स्क्रू।
400 ओपन हो गए हमारे। सिंपली आप धीरे से इसको ढक्कन को उठाओगे तो ये हमारी लेज़र यूनिट ओपन हो जाएगी। लेज़र यूनिट ओपन करने के बाद आप देख पा रहे हो ये लेंसेस हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। ये भी ये धूल चक्कर से बचाने के लिए लगाए गए। ये हमारे लेंस हैं, एक ये है एक ये है और बाकी ये साइड लेंस हैं और ये हमारे पॉलीगन मोटर है। तो हमें इसको साफ़ करना होगा क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं डस्ट लगी हुई है, लेंसेज में यहाँ लगी होगी, पॉलीगन मोटर की साइड हैं उनमें भी लगी होगी। तो आप देख पा रहे हो ये जो अंदर लेंस दिख रहा है यहाँ पे भी थोड़ा धूल रखड़ अंदर लगी हुई है। कैमरे में आ पा रहा है कि नहीं मैं आपको दिखा नहीं पा रहा सही से, बाकी मैं आपको उसको साफ़ करके दिखाता हूँ कि इसको कैसे साफ़ करना है। तो एक हमें कॉटन का कपड़ा चाहिए होगा जिससे हम ये साफ़ करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा कॉटन कपड़ा, मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि साफ़ कैसे करना है। ये हमारा लेंस है जो कर्व लेंस बोलते हैं इसको, उसको हमें हल्के हाथ से साफ़ करना है। इसमें हल्के हाथ से साफ़ करना है और देखना है कि बस कहीं डस्ट ना रह जाए, वरना ये प्रॉब्लम जो है हमारी रिसॉल्व नहीं होगी। ये हमें साइड के जो लेंस हैं इनको भी साफ़ करना है और एक इसमें ये लेंस यहाँ होता है देखो आपको दिख रहा होगा, ये इसको सिंपली हमें कपड़े से अच्छे से साफ़ करना है। फिर उसके बाद हमें ये पॉलीगन मोटर है इसकी ये साइड्स हैं वो भी हमें अच्छे से क्लीन करनी है। आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो साइड्स हैं हमको इनको अच्छे से ऐसे क्लीन करना है। जब मशीन वर्किंग में होती है तो ये पॉलीगन मोटर काफ़ी स्पीड से घूमती है, इसलिए कभी कभी इसमें डस्ट वगैरह आ जाती है। तो हमें इसकी ये चारों पांचों जो भी साइड हैं उनमें अच्छे से क्लीन कर लेनी है जिससे हमारा जो प्रिंट है वो काफ़ी अच्छा निकले, डार्क निकले। हम देख सकते हैं मैंने अपनी पॉलीगन मोटर को साफ़ कर लिया है, चारों पांचों साइड से जो भी हैं साफ़ कर ली है, और लेंसेज भी साफ़ कर ली है। तो मैं अब आपको इसको दोबारा इसमें लगा के दिखाता हूँ इसको कैसे दोबारा लगाना है। हमारी इसकी सफाई कपड़े हो चुकी है, ये है इसका ढक्कन जो हमें इस पर लगाना है। ये हमने इसका ढक्कन रख दिया, बाकी जो इस पर चार स्क्रू है ये हमें इसमें जाकर लगाना है। तो दोस्तों हमने इसके चारों जो स्क्रू हैं उसमें अच्छे से फिट कर दिए हैं, तो चलिए अब हम इसको मशीन में फिट करते हैं। करने के लिए हमें इसको अच्छे से रखना होगा, जो इसके अंदर जो होल हैं और जो कट्स हैं हमें इसको बिठाना होगा। इसमें बिठाने से पहले हमें इनके कनेक्टर हैं वो दोबारा लगाने पड़ेंगे, जो पहला जो कनेक्टर है वो हमें देख के अच्छे से इसमें लगा देना है। और जो इसका कनेक्टर है पहला वाला यहाँ लग गया और जो दूसरा कनेक्टर है वो इस साइड लगेगा। कनेक्टर लगने के बाद इनके ऊपर इसके अंदर डस्ट ना जाए इसीलिए ये स्पंज लगाया जाता है। तो आप इसका ध्यान रखना कि ये स्पंज लेज़र साफ़ करने के बाद लगाना है वापस। उसके बाद हमें इसको अच्छे से यहाँ ये इसके लॉक्स हैं वहाँ पर इसे हमको बिठाना है। बिठाने से पहले आप हो सके तो ये कनेक्टर को भी कनेक्ट कर दीजिए क्योंकि बैठने के बाद फिर वो आगे इसमें हाथ नहीं जाता है, तो कनेक्टर अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाते। एक कनेक्टर ये इसमें यहाँ लग गया और दूसरा कनेक्टर भी आप देख पा रहे हो तो सिंपली इसमें सीधा करके इसको हल्के से अंदर प्रेस ही करना है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। जैसे
देखिए लग गया, हल्का सा प्रेस कर दो। मशीन खराब है। तो ये सारे कनेक्टर लगाने के बाद हमें इसको अपने लीजर को अच्छे से बिठाना होता है। ये देखिए हमारी लीजर अच्छे से इसमें फिट हो चुकी है। बाकी इसके बाद हम इसके जो लॉक्स लगे थे वो वापस लगाएंगे, और लॉक के बाद जो उसमें स्क्रू लगा था वो मैं इसमें वापस लगा देंगे। और ये लेज़र भी दोस्तों अच्छे से फिट करना आप लोग, क्योंकि ये अच्छे से फिट नहीं हो पाती है, बार बार हिलती है तो प्रिंट में फिर भी दिक्कत आती है। तो अच्छे से इसको कस लीजिए, और इसकी वायर है वो भी अच्छे से इसमें फिट कर दीजिए। ये सब करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये होली थी वो हमें इसमें लगाने पड़ेंगे। पहला ये है, इसका हम इसको अच्छे से इसमें फिट कर देंगे। फिट करने के बाद ये जो ऊपर का ढक्कन है इसमें ये देखिए आप, इसमें लॉक बने होते हैं, तो ये लॉक के लिए जगह दी हुई है, इसमें यहाँ भी दी है और इसमें ढक्कन में अंदर भी है। तो इन सबको मैच करते हुए अच्छे से अंदर अंदर सरका देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक ही इसमें फिट हो जाएगा। बाकी इसके बाद साइड ऊपर है हमारी मशीन हुए रेडी। मशीन को रेडी होने के बाद हमें फोटो कॉपी करके देख लेंगे। चलिए मैं आपको एक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, उसकी फोटो कॉपी करके देख लेंगे। चलिए मैं आपको इसकी फोटो कॉपी करके देखता हूँ। डॉक्यूमेंट हमारे पास ये है, तो इसको हम ऐसे एरो से लगा के रखते हैं और बाकी मीडियम पर रखें। फोटो कॉपी के लिए जो देना पैटर्न होती है उसमें करके इसको आप मैं आपको फोटो कॉपी करके करेंगे। तो ये हमारा आउटपुट है, हमारा आउटपुट आएगा देखिए, ये हमारी फोटो कॉपी आ गई। आप फोटो कॉपी देख सकते हैं, ये सही आ रही है। अभी भी इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ऊपर की तरफ लाइट है, देख रहे हो ऊपर की तरफ लाइट आ रहा है, वैसे नीचे आ रहा था अभी ऊपर आ रहा है। तो अभी हम इसको लेजर को दोबारा से खोलेंगे और उसको अच्छे से साफ करेंगे। मेरे से जो गलती थी वो आप नहीं करना। बाकी एक दो कॉपी अभी और निकाल के देख लेते हैं। देखिए इसमें से ऊपर की तरफ हल्का सा लाइट आ रहा है। बाकी हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको दिखाते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में देखो सही है डॉक्यूमेंट। बाकी ये फोटो कॉपी हम और करते हैं। नीचे हमारा मैटर बिल्कुल क्लियर हो चुका है, जो प्रॉब्लम थी नीचे की वो हमने क्लियर कर लिए। बाकी अब जो ऊपर है वो ऊपर हम इसको दोबारा से सॉर्ट करेंगे। बाकी यही सब प्रक्रिया है, आप इसको दोबारा से खोल के सही कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, हम आपको जल्दी रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।